गुड आफ्टरनून बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप? स्वागत है आपका लेट्स क्रैक सीबीएसई क्लास सिक्स स्टैंडर्ड पर। जल्दी से आ जाइए, अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी आ जाए क्लास में। क्लास स्टार्ट आपकी होने वाली है, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए बच्चों। और बताइए, आप लोग की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? कैसे एग्जाम हो रहे हैं? आपके एग्जाम कैसे हो रहे हैं? आपके एग्जाम बच्चों कैसे हो रहे हैं? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? चलिए बच्चों, आपको बच्चों मालूम है कि अनअकैडमी हमारी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। नमस्ते बेटा, क्यों बना है बच्चों आप बताइए? क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है, आपको जितने भी डाउट होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाती है। और यहाँ पर आपकी स्टडी में आपकी हेल्प कौन करते हैं बच्चों? कौन करते हैं? हमारे टॉप एजुकेटर्स करते हैं। टॉप एजुकेटर्स करते हैं, जो आपका जो प्रॉब्लम होती है किसी सब्जेक्ट में, किसी भी कंटेंट में, किसी भी आपके टॉपिक में, कुछ भी प्रॉब्लम होती है। हेलो गुनगुन, और बेटा आपका पेपर कैसा हुआ? आपका बेटा पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ पेपर आपका। और देखिए बच्चों, गुड क्वालिटी कंटेंट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपका जो मेन थिंग बच्चों यहाँ पर क्या है कि आपका जो सिलेबस है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है, आपको जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आपका एग्जाम में जैसे आपके पेपर्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी कोशिश यही रहती है कि उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराएं और आपके अच्छे मार्क्स आए बच्चों। हम ठीक है बेटा, आप कैसे हो? आपका पेपर कैसा हुआ गुनगुन? हिंदी का पेपर है, हिंदी में कोई डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा? कोई डाउट है बेटा आपको, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? हिंदी आपका पेपर तैयार हो गया? आपका हिंदी का पेपर तैयार हुआ? जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी क्लास में आ जाएं। जब तक मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, मेरा नाम पूजा बत्रा है, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया है, मेरा 17 इयर्स का हिंदी में एक्सपीरियंस है, और मैं यूपीएसएससी के एग्जामिनेशन के लिए भी बच्चों की तैयारी कराती हूँ, और मैं आपको हिंदी की तैयारी कराती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ मैं आपको। बच्चों आपको मालूम है कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ये बन चुका है, केवल रिविजन करना है बेटा आपको। आपका पेपर तैयार हो गया, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा है। और देखिए बच्चों, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं यहाँ पर, हम ठीक है बेटा, अगर बच्चों आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे आफ्टर हाफ ईयरली जो भी आपके आना है, साइंस में, सोशल स्टडी में, इंग्लिश लिटरेचर में बेटा, और हिंदी और मैथ्स में तो आपके पूरा चैप्टर पूरा आता है। हिंदी ग्रामर ले लीजिए, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश लैंग्वेज ले लीजिए, और इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत चीजें ऐसी होती है जो आप मिस्टेक कर देते हो। इंग्लिश में यही आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, इसमें बहुत मिस्टेक्स हो जाती है आपकी, है ना? तो इसको बेसिक से समझ करके अपने डाउट्स क्लियर करिए। उसके लिए क्या करिए, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे आपको, हाँ बेटा आपका, हाँ गुनगुन, और आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो देखिए आपको यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स तो आपको पढ़ाएंगे, और आपका कोर्स भी सारा कवर अप कराते हैं, और जो आप अगर प्रॉब्लम में, किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, आप नहीं क्लास अटेंड कर पाते लाइव क्लास, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे उनके रिकॉर्डेड जो होते हैं सब आपके पास अवेलेबल रहते हैं, तो आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपको कुछ उस टाइम प्रॉब्लम है तो आप उनका पीडीएफ देख सकते हो, और आपको उस चीज समझ में आ जाती है बच्चों।
अब बच्चों देखिए, आपके लिए वहां पर डेली लाइव क्लासेस होती है ना, और आप अपने डाउट्स उनसे पूछ सकते हो। आप क्या पोल्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब क्लास आपकी चल रही होती है तो आपके डाउट्स भी उसमें, जैसे पोल हो रहा है तो उसमें आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जो आपने गलत आंसर दिया, तो बच्चों उसमें जो है आपने जो मिस्टेक दिया है वो भी हमें जो है हम समझाते जाते हैं। हाँ बेटा, आज शाम को 6 बजे वाली क्लास में मेंटी क्विज रखी है हमने, आज से आज शुरू किया हमने, उसमें जरूर आइएगा। अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते हैं तो पढ़ने में भी बहुत मजा आती है। अब बच्चों आपका जो कोर्स है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग तैयार है, और आपके सिलेबस, आपका जो क्लास का सिलेबस है, जैसे हिंदी में मैं पढ़ा रही हूँ तो हिंदी में जो चैप्टर्स आने हैं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो आपके आने हैं। हाँ बेटा, सक्षम को हम जानते हैं है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी तैयारी कराएं। बच्चों जो लाइव टेस्ट होते हैं यहाँ पर, लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होती है, तो आप उसमें अपने आप को क्या करते हो, एनालाइज कर सकते हो कि हमारे कितने मार्क्स आए। आज जैसे मैंने स्पेशल क्लास में संधि कराया था है ना, आपकी जो मिस्टेक्स हुई बच्चों उसको मैंने डाउट्स क्लियर किया कि आपकी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, आप ये समझ लीजिए ये मिस्टेक आपकी एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज बच्चों हर एक एजुकेटर्स की कोशिश रहती है कि आपको जो डाउट्स हैं, जहां पर आप मिस्टेक करते हो, जिस टॉपिक पे मिस्टेक करते हो, जैसे मैंने आज संधि समझाया, कुछ बच्चों को दीर्घ संधि नहीं समझ में आया था, कुछ को गुण, तो मैं उसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती जा रही थी, जो मैंने पोल्स रखे थे कि आपको जो डाउट है वो आपके क्लियर करती जाओ। तो यही बच्चों सब एजुकेटर्स करते हैं, तो आप जल्दी से हाँ बेटा सक्षम नहीं देख रहा था, तो सबका यही एम है। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चों तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। प्लस जो है आपके लिए फ्री फ्री स्टार्ट कर रहा है, और सुनिए बच्चों, आपको जो टॉप एजुकेटर्स आपकी मदद करते हैं पढ़ाई में, ये देखिए, या आपको टिप्स दे करके हर एक चीज और इजी वे में पढ़ाते हैं आपको, आपको कुणाल किशोर सर, निकिता मैम, सृष्टि मैम, दीक्षा मैम है ना, ये सब आपकी जो है स्टडीज में आपकी हेल्प करते हैं। कोई भी डाउट्स होते हैं, पोल्स क्विज रखते हैं, तो आपको जो भी डाउट होंगे आप अपनी क्लास में उनसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो जल्दी से इनकी क्लास अटेंड करिए और इनको फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और उसी में मैं आपको पढ़ाती हूँ हिंदी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मुझे फॉलो कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बच्चों तो जल्दी से ले लीजिए, और मेरा कोड तो आपको मालूम है, याद है ना मेरा कोड, हेलो सुनील। हाँ बेटा, देखिए साइंस में आपके देखिए 32 कोर्सेस, कितने साइंस के 32, मैथमेटिक्स में आपके 24 कोर्सेस, हिंदी के 3 कोर्सेस, सोशल स्टडी में 12 कोर्सेस। बच्चों जल्दी से यार। हाँ बेटा ठीक है, हाँ बेटा मेरा कोड मालूम है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन कोई लेना भी चाहता है तो आप उनको कहिएगा मेरा कोड यूज करें, Pooja01, तो उस पर 10% उनको डिस्काउंट मिलेगा, और उनकी स्टडी में हिंदी में लिटरेचर और लैंग्वेज, और आपका जो हिंदी में संस्कृत आती है ना, तो वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बेसिक से क्लियर करूं, क्योंकि संस्कृत एज अ मैथ की तरह होती है, आपको मालूम है। जैसे मैथ्स में पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं, और आपके एक जैसे कैरी बोरो इसमें मार्क्स मिस्टेक भी हो जाते हैं ना, कट जाते हैं, उसी तरीके से संस्कृत में मिस्टेक हो जाती है आपकी, हालांकि विसर्ग से उससे आपके मार्क्स कट भी जाते हैं। तो मेरा एम यह रहेगा कि आपको संस्कृत भी मैं अच्छे से पढ़ा दूं, ठीक है। जल्दी से अगर आपके फ्रेंड्स ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उनको भी कहिए, और आप भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आप बच्चों टेलीग्राम ऐप पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और उसपे क्या करिए, और उसपे मेरा नाम Pooja01 है ना, पूजा बत्रा आप टाइप करिए तो मुझे है ना, लेट्स क्रैक सीबीएसई बच्चों डालिएगा है ना। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पहले डाउनलोड करना है, फिर लेट्स क्रैक सीबीएसई,
ठीक है, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, पूजा बत्रा, ठीक है, आप वहां पर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी नोटिफिकेशन होगी आपकी स्पेशल क्लास की, जो भी आपकी स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशन होगी, और आपकी यूट्यूब पर क्लासेस जो होती हैं उसकी नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर करती रहूंगी, है ना। देखिए प्लस पे बच्चों आपके 1 मंथ के में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, देखिए 3000 में पर मंथ आपकी फीस कितनी है, कितनी चीप है। 6 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन केवल 10,000 का है बच्चों, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट देखिए 44% आपकी। हाँ बेटा, लेट्स क्रैक सीबीएसई 6, 7, 8। हाँ बेटा, आप टेलीग्राम ऐप पर हाँ 6 ये डालोगे, उसके बाद मुझे मुझे वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा नाम आपको मालूम है, पूजा बत्रा, ठीक है। और आपका देखिए पर मंथ फीस कितनी आती है, इंस्टॉलमेंट केवल 1,667। 15 मंथ का देखिए कितना चीप है, 18,000 है, और पर मंथ आपके इंस्टॉलमेंट 1,200। और आपका देखिए इसमें भी आपका क्या मिल रहा है, 40-60% आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना? तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपकी फाइनल की तैयारी आपके बहुत अच्छे से हो जाएगी। 18 मंथ्स का बच्चों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कितने का है, केवल 20,000 का है, और पर मंथ तो इसकी बहुत चीप है 1,111, और 63% आपको डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, अगर बच्चों आप मेरा रेफरल कोड पूजा01 यूज करते हैं तो उसमें क्या आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, पहले बात तो यहाँ पर लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, आप अगर हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं ना तो हिंदी में सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, हिंदी के आप चूज कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के पढ़ते हो तो इंग्लिश में आप चूज कर सकते हो, तो यहाँ लैंग्वेज में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए अगर आप आइकॉनिक पे देखिए 6 मंथ्स का केवल 17,000 का है बच्चों, ठीक है, और आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट केवल 2,833 है। क्लास 6 to 12 का है बच्चों ये सब्सक्रिप्शन, देखिए कितना चीप है, और 32,000 आपका 15 मंथ का है, और 1 मंथ की आपकी 25% इसमें डिस्काउंट इस टाइम चल रहा है, क्या है 2,133, और 18 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन 35,000 का है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट केवल आपकी देखिए 31% इस टाइम डिस्काउंट पे आपका चल रहा है 1,944, और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन केवल 48% का है, 48,000 का है, और 29% इसमें आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट तो बहुत ज्यादा कम है, 2,000 है केवल। तो जल्दी से ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कि और उस पर अगर आप मेरा रेफरल कोड पूजा01 यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो जल्दी से इसे आप ले लीजिए। और बच्चों आपको मालूम है आपकी जो है 20 दिसंबर को मॉर्निंग में 10 o'clock से 6 o'clock तक स्पेशल क्लास में आपको आपको कोई भी एम हो, आपको प्रॉब्लम होती है 10th के बाद 12th के बाद आप किस लाइन में जाना चाहते हैं ना, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपकी क्या मदद करेंगे, आपकी कुणाल सर, फिलिप सर, कुणाल सर देखिए आपकी 11 o'clock से 11:45 तक, फिलिप सर 12 o'clock से 12:45 तक, आपकी शबनम मैम 2 o'clock से 2:45 तक, गौतम सर आपकी 3 o'clock से 3:45 तक, अरुण सर आपकी 4 o'clock से 4:45 तक आपकी हेल्प करेंगे। आप जल्दी से, अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए, और आप ये काउंसलिंग करेंगे तो आपका जो एम है, आपको प्रॉब्लम होती है मैम मैंने तो मैथ्स लिया है तो मैं इस लाइन में जा सकता हूँ नहीं, मैम मैं आर्ट साइड का हूँ, तो आपके बच्चों अच्छे से काउंसलिंग के लिए आप अपने डाउट सब क्लियर कर सकते हो। तो 20 दिसंबर को आप स्पेशल क्लास अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी कहिए जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो डाउनलोड वो कर लें। बच्चों अब ये अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज जो हमारी मेंटी है शाम को 6 बजे से आपकी वाक्य विचार से है और एक और टॉपिक से है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। आज हमारा हिंदी व्याकरण का एक नया लेसन स्टार्ट मैं कर रही हूं,
हेलो सक्षम, और कैसे हो बेटा? आज आपने स्पेशल क्लास अटेंड नहीं की थी? आज आपने सक्षम, आपने बेटा स्पेशल क्लास संधि, मैंने इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाया था, वो आज आपने अटेंड नहीं किया बच्चों? क्यों सक्षम, कहाँ थे आप? सो रहे थे? जल्दी बताइए आप क्या कर रहे थे? गुनगुन तो आई थी, और भी बहुत से बच्चे थे हमारे साथ में जिन्होंने हमारे साथ संधि सीखा, हम आपका नाम देख रहे हैं। आप नहीं आए थे, आपने अटेंड नहीं किया। आज मैंने उसमें समझाया था स्पेशल क्लास में आपको संधि, और मैंने केवल आपको आज स्वर संधि समझाई। अभी अभी आपकी व्यंजन संधि और कौन सी विसर्ग संधि, अभी दोनों संधि रह गई है ना, वो आपको नेक्स्ट स्पेशल क्लास में समझाऊंगी। तो मेरी कल भी बच्चों स्पेशल क्लास है 10:30 से। ठीक बेटा, सेक्शन 3। अच्छा चलिए बच्चों, आज मैं पढ़ाती हूँ आपको क्या, वर्ण विचार। आपको मैं क्या पढ़ाऊंगी, वाक्य विचार, और आपको वाक्य विचार में से बच्चों क्वेश्चन आते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आपने इंग्लिश में भी ये पढ़ा होगा, क्या कहते हैं हम इसे, सिंटेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, सिंटेक्स। आपके भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य विचार। क्या कहते हैं, वाक्य विचार। सक्षम बच्चों कल भी मेरी क्लास है मॉर्निंग में 10:30 से, स्पेशल क्लास है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और शाम को बच्चों मेरी मेंटी है, तो आप इसे अच्छे से समझिए कि उसमें फुल मार्क्स आप लेकर के आइए ना, हम देखते हैं कितने आंसर आपको आए समझ में। चलिए बच्चों हम पढ़ाते हैं, आप समझिए। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। जैसे बच्चों आप ये लीजिए, कोई भी वाक्य लीजिए, विद्यार्थी खेल रहे हैं। जैसे हमने लिया विद्यार्थी खेल रहे हैं, तो आपने लिखा जैसे खेल रहे विद्यार्थी हैं। अब बच्चों बताइए, ये जो वाक्य है हमारा व्यवस्थित समूह में है, हमारा खेल रहे विद्यार्थी हैं, ये आपको बोलने में कुछ अटपटा नहीं लग रहा? आपको बोलने में कुछ अटपटा लग रहा ना? तो वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। बच्चों क्या, अगर आप कैसे इसे कहते हैं विद्यार्थी खेल रहे हैं, तो ये क्या हमारा व्यवस्थित शब्द समूह है हमारा, ये क्या है हमारा पूरा वाक्य बना हमारा। मधु और नेहा सहेली हैं, आपने बोला और मधु सहेली है नेहा, तो ये क्या बच्चों हुआ हमारा। अच्छा बेटा आपकी 10:30 जो है ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो आप उसके बाद जब फिनिश होती है ना आपकी, उसके बाद आप अटेंड कर लिया करो, ठीक है। अगर उसके बाद टाइम होता है तो आप, जब वो क्लास आती ओवर हो जाए तो उसके बाद आप अटेंड कर लिया करो, ठीक है सक्षम। लेकिन मेरी जो यूट्यूब पर क्लास होती है और मेहनती होती है उसमें जरूर आया करो फिर, ठीक है, टाइम हो तो उसमें भी आ जाओ आप। मेरा नाम वैभव है, अब इसमें आपको ये पूरा वाक्य आपका व्यवस्थित है। अगर आपका ये होता वैभव नाम मेरा है, तो बच्चों ये पढ़ने में क्या लगता, कुछ अटपटा लगता, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य नहीं कहेंगे। अब क्या है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को, बच्चों जो वाक्य होते हैं हमारे सार्थक शब्दों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अगर वो सार्थक नहीं होंगे तो हम उनको वाक्य नहीं कहेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि हम सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। अगर सार्थक जो है समूह नहीं होगा, शब्द हमेशा क्या होने चाहिए हमारे, सार्थक होने चाहिए। शब्द क्या होने चाहिए बच्चों हमारे, सार्थक होने चाहिए। शब्द हमेशा हमारे सार्थक होने चाहिए बच्चों, उनका अर्थ होना चाहिए। सचिन और राहुल अच्छे खिलाड़ी हैं, हेलो सुनील, और कैसे हैं बेटा आप?
हाँ बेटा, कुछ बच्चों की क्लास थी लेकिन उन्होंने जो है हमारी क्लास भी अटेंड की थी, है ना, स्पेशल क्लास अटेंड की थी। गुनगुन का भी आज पेपर था, गुनगुन ने भी अटेंड की थी, है ना बच्चों। देखिए, सचिन और राहुल अच्छे खिलाड़ी हैं, ये देखिए सार्थक शब्दों का समूह है। राजा घोड़े पर सवारी कर रहा है, सवारी घोड़े राजा कर रहा है पर, ये क्या है माँ, सार्थक समूह नहीं होता बच्चों। क्या, राजा घोड़े पर सवारी कर रहा है ना, ये क्या है बच्चों, हमारा सार्थक समूह है। आगे देखिए बच्चों, वाक्य के हमारे क्या होते हैं, दो अंग होते हैं। आप वाक्य, आपको समझ में आया कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य हमारे क्या होने चाहिए, शब्द उसमें हमारे सार्थक होने चाहिए, उनका अर्थ होना चाहिए और वाक्यों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। वाक्य क्या होते हैं हमारे, व्यवस्थित समूह होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के बच्चों कितने अंग होते हैं हमारे, उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं आपके, आपको मालूम है ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आपको मालूम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यही तो आप पढ़ते हो ना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, उद्देश्य और विधेय, अच्छे से समझ लीजिए। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। कर्ता क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में आप क्या कहते हो, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हो ना, क्या कहते हो, कर्ता को सब्जेक्ट, अच्छे से समझ लीजिए। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है ना, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वही उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वही हमारा होता है। और विधेय क्या होता है हमारा, वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो हमारे सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा, जो हमारे कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है वह हमारा विधेय कहलाता है। आप देखिए उदाहरण से आप समझ लीजिए बच्चों, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा क्या है हमारा यहाँ पर, घोड़ा क्या है बच्चों यहाँ पर हमारा, कर्ता है, क्या है हमारा, कर्ता है हमारा, क्योंकि ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया, घोड़ा हमारा क्या हो गया बच्चों, कर्ता। ठीक है, पिता क्या, पिताजी ऑफिस जाते हैं, पिता हमारे क्या हुए, कर्ता हुए, और क्या हमारा, उद्देश्य। ठीक है, अब ऑफिस जाते हैं बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, पूरा क्या हुआ, विधेय, क्या है, विधेय। ऑफिस जाते हैं, तेज दौड़ता है ना, ये क्या हुआ हमारा, विधेय। ये अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या हुआ हमारा, विधेय, और ये हमारे क्या हुए, उद्देश्य। उद्देश्य में क्या आता है हमारा, कर्ता, क्या आता है हमारे, आते हैं कर्ता। अब आपको अच्छे से समझ में आया, ये आपके मेंटी में है, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बीच में पूछते जाइएगा, पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप क्लास अटेंड करें, मुझे पूरे पूरे नंबर उसमें भी चाहिए, है ना, कितने आंसर आप सही देखते हो मैं देखूंगी बच्चों आपको। ये देखिए, अब आपको यहां तक समझ में आया कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अच्छा, सक्षम फिर से समझाएं, चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अब आपके लिए। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए लेते हैं। जैसे दादी जी पढ़ा रही हैं, हमने आपको बताया दादी जी पढ़ा रही हैं, अब इसमें सक्षम आप ही बताना, दादी जी पढ़ा रही हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें बताइए हमारा उद्देश्य क्या है, चलिए बताइए सक्षम, बताइए बच्चों इसमें उद्देश्य हमारा क्या है, कर्ता क्या है, कौन काम कर रहा है ना, कौन काम कर रहा है, उद्देश्य हमारा क्या है बच्चों, अच्छा बताइए जल्दी से, गुनगुन बताइए हमारे कर्ता कौन है इसमें, कौन काम कर रहा है बेटा, जल्दी से बताइए। चलिए से बताइए कि इसमें हमारा कौन है कर्ता, कर्ता मतलब कौन काम कर रहा है हमारा, दादी जी पढ़ा रही हैं, कौन है हमारा, उद्देश्य हमारा क्या है बच्चों, दादी जी, क्या है हमारी, दादी जी हमारी क्या है, उद्देश्य है, ये हमारे क्या है, कर्ता है, ये क्या है हमारा, उद्देश्य,
हाँ वेरी गुड। ये देखिए उद्देश्य, दादी जी हमारी क्या है उद्देश्य, अब ये क्या कर रही है पढ़ा रही है, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, विधेय, क्या है हमारा विधेय, जिसको आप कहते हो सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट कहते हो ना, और बाकी को आप क्या कहते हो प्रेडिकेट कहते हो ना, आप प्रेडिकेट कहते हो ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाँ बेटा वेरी गुड सक्षम, अब समझ में आया आपको उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। सक्षम गुनगुन और बच्चे जो हैं, जितने मेरे बच्चे हैं सबको आ गया यहां तक, आगे बढ़ूं मैं। चलिए बच्चों आगे देखिए, ये देखिए उदाहरण देखिए आपको समझ में आएगा। जैसे निर्धन, निर्धन बालिका भूख से व्याकुल है, यहाँ पर हमारी निर्धन क्या है बच्चों, उद्देश्य है, अर्थात हमारा कर्ता है, क्या है कर्ता है हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बालिका भूख से व्याकुल है, हम कल कानपुर जाएंगे, हम क्या है कर्ता, काम करने वाले कौन है हम कर्ता, ये क्या हुआ हमारा कर्ता। और ये बाकी हमारा क्या बचा, हमारा विधेय, क्या बचा हमारा विधेय, अर्थात प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी, कल्पना यात्रा कौन गई थी, कल्पना यात्रा गई थी, तो कल्पना चावला ये हमारी क्या हुई बच्चों, कर्ता हुई, क्या हुई हमारी कर्ता हुई, यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ। और ये हमारा बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमारा क्या हुआ, विधेय हुआ, क्या हुआ विधेय। अब उद्देश्य आपको समझ में आया, यही बच्चों एज इट इज उसमें होता है इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना, कर्ता जो काम करता है, कल्पना चावला हम निर्धन, ये क्या हुए हमारे बच्चों उद्देश्य, और विधेय हमारी क्या हुए, विधेय हमारी क्या हुए बालिका भूल से व्याकुल है, कल कानपुर जाएंगे अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी, ठीक है। अब ये देखिए वाक्य के भी बच्चों कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। अब इसमें रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ये आपको आया भी होगा, अभी बताइएगा ये वाक्य देखकर किस किस के एग्जाम में आया था, ठीक है, ये बताइएगा हमें। अब रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं अभी हम बताते हैं आपको, फिर बताते हैं अर्थ के आधार पर। यहाँ तक बच्चों समझ में आया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं, उद्देश्य और विधेय तक, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, सक्षम समझ में आया बेटा, गुनगुन सब बच्चों को समझ में आया कि वाक्य कर्ता क्या होते हैं हमारे, कर्ता किसे कहते हैं, समझ में आया उद्देश्य और विधेय, समझ में आया बच्चों। चलिए आगे आगे बच्चों हम बढ़ते हैं, रचना के आधार पर बच्चों वाक्य हमारे कितने होते हैं, तीन भेद होते हैं रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और क्या होते हैं हमारे मिश्रित वाक्य। हमारे तीन तरीके के वाक्य होते हैं, तीन तरीके से आप बना सकते हैं, मेथड तीन होते हैं हमारे रचना के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। आप देखिए हमारा सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक, देखिए एक या एक से अधिक उद्देश्य, उद्देश्य हो परंतु विधेय एक ही होता है वह सरल वाक्य होता है, कहलाते हैं वह सरल वाक्य होते हैं, जिसमें उद्देश्य क्या होते हैं एक से अधिक होते हैं। आप जैसे सुमन और ये क्या है हमारे, उसकी बहन, ये क्या है हमारी उद्देश्य है कर्ता है। आप देखिए एक से अधिक हमारे हो गए क्या, मोहित राकेश और अमन, ये हमारे क्या हुए बच्चों, एक से अधिक हो गए हमारे, समझ में आया ना। सरल वाक्य में क्या हुआ, उद्देश्य हमारे अर्थात कर्ता हमारा क्या हुआ, एक और एक से अधिक हो गए, सुमन और उसकी बहन हो गए, कितने हो गए यहाँ पर, दो हो गए। मोहित राकेश और अमन ये हमारे क्या हुए, उद्देश्य है कर्ता है, क्या है हमारे बच्चों उद्देश्य है अर्थात हमारी क्या है ये कर्ता है, ये समझ में आया बच्चों यहां तक। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया उद्देश्य के बाद क्या आता है विधेय, ये बच्चों हमारा क्या हुआ बाकी विधेय, परंतु विधेय हमारा एक ही है, सुमन और बहन एक के साथ चलेगी, गई एक साथ हैं, मोहन राकेश और अमन क्रिकेट खेल रहे हैं, विधेय एक ही है कि सब एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारा क्या होता है सरल वाक्य।
उद्देश्य एक से ज्यादा है लेकिन विधेय उनका एक ही है। ये बच्चों समझ में आया? सक्षम, गुनगुन, बाकी मेरे सब बच्चों को समझ में आया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे देखिए संयुक्त वाक्य। बेटा संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ये देखिए समझिए आप कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से, देखिएगा, जिन वाक्यों में दो या दो, देखिए अधिक सरल वाक्य, अधिक सरल वाक्य अभी आपको समझ में आई गया है। और किंतु परंतु का प्रयोग होता है, देखिए किंतु परंतु या और, किंतु परंतु का प्रयोग होता है। आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़े होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य अच्छे से समझिए कि संयुक्त वाक्य क्या है हमारे। मैं सातवीं कक्षा में और रवि आठवीं कक्षा में पढ़ता है। देखिए दो है हमारे, मैं और रवि। मैं सातवीं कक्षा में और वो किसमें पढ़ता है, रवि आठवीं कक्षा में। दो में क्या लगा, और। ये और क्या है हमारा, मैंने आपको समुच्चय बोधक शब्द भी बताए थे आपको। ये क्या है हमारा, और शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। ये देखिए लेकिन, किंतु, परंतु, है ना, ये मैंने आपको बताए थे। ये क्या हमारे दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ये क्या है हमारे संयुक्त वाक्य में आएंगे बच्चों। इसमें आएंगे हमारे संयुक्त वाक्य में, दो वाक्य से, ये दो सरल वाक्य हैं। मैं सातवीं कक्षा में और रवि, रवि उसका फ्रेंड है, दोस्त है। दोनों किस कक्षा में पढ़ते हैं, आठवीं कक्षा में। मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ और रवि किस में पढ़ता है, आठवीं कक्षा में पढ़ता है। और समुच्चय बोधक शब्द क्या है, और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब शब्द किस में आएंगे, संयुक्त वाक्य में, ठीक है। मैंने उसे बुलाया था लेकिन वह नहीं गया, मैंने उसे बुलाया था लेकिन वह नहीं गया, ये क्या आपका समुच्चय बोधक शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, संयुक्त वाक्य बच्चों, क्या होगा यहाँ पर, संयुक्त वाक्य होगा। ये समझ में आया, समझ में आया बच्चों कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो, क्योंकि, ताकि, ये सब किस में आते हैं, ये देखिए इसमें आएंगे, तो, क्योंकि, ताकि, ये सब आपके समुच्चय बोधक में आएंगे बच्चों। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है कि, अच्छा सक्षम चला गया है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप समझिए, क्योंकि शाम की जो मेंटी है ना, सक्षम आएंगे तो उनके आंसर पे मिस्टेक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो गलत कर देंगे, ठीक है। चलिए आप समझिए, हम समझाते हैं आपको, ठीक है। आज आप क्या करिए, मेरे लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे आ जाएं, ठीक है, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे बच्चों देखिए क्या है, मिश्रित वाक्य। संयुक्त और मिश्रित में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए मिश्रित वाक्य में क्या है, जिस वाक्य में एक मुख्य, एक मुख्य हम बताते हैं, या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य में देखिए अच्छी तरीके से कि क्या होगा इसमें, बारिश आती है तो फसल अच्छी होती है ना। अब जैसे ये हम आपको एक उदाहरण देते हैं इजी वाला, अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा, ठीक है, अध्यापिका ने पूछा, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। जैसे बारिश होती में क्या है, प्रथम क्या है, क्या प्रधान उपवाक्य, बारिश होती, ठीक है, तो क्या है, और उसके बाद फसल अच्छी होती, ये क्या है, ये क्या है हमारा अन्य उपवाक्य, ये हमारा क्या है प्रथम वाला, बारिश होती, ये हमारा क्या है प्रधान उपवाक्य, इसे हम क्या कहेंगे, प्रधान। बारिश होती तो फसल अच्छी होती, मैंने देखा कि वह पेड़ पर सांप था, ठीक है, मैंने देखा कि पेड़ पर सांप था, ये क्या दो मिश्रित वाक्य, दो वाक्यों को क्या जोड़ रहे हैं, तो और की लगा करके, है ना। प्रथम वाक्यों को हम क्या कहते हैं, प्रधान, और दूसरे वाक्य को क्या कहते हैं हम, उपवाक्य, उस पर आश्रित होता है, ये हम क्या है हमारे उपवाक्य।
उपवाकी का मतलब क्या हुआ बेटा? आप नहीं जाओगे? ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए देखिए, बारिश होती, बारिश फसल किस पर आश्रित है? आप बताइए बच्चों, फसल किस पर आश्रित है? बारिश पर आश्रित है। तो यहां पर क्या है हमारा जो उपवाक्य है, किस पर आश्रित है? प्रधान वाक्य पर। मैंने देखा कि पेड़ पर सांप था, पेड़ पर सांप था, मैंने देखा, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा? प्रथम वाक्य क्या हुआ हमारा? प्रधान। और दूसरा वाक्य क्या हुआ हमारा? उपवाक्य, ठीक है। रेन, वेरी गुड। हमारी उस पर आश्रित है। जब वाक्य आश्रित रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रित वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर बच्चों बहुत इजी है ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं हमारे। पहला क्या है? निषेधात्मक है। क्या है बच्चों हमारा? पहला निषेधात्मक, विधानात्मक, विधानवाचक। दूसरा क्या हमारा? निषेधात्मक में आपको पता ही चल रहा है निषेध मैंने क्या होता है, नहीं। प्रश्न मैंने क्या होता है? जो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थात जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। संदेह मैंने क्या होता है? जिसमें शक होता है। अभी मैं विधान में बताती हूँ विधान में क्या होता है। संदेह मैंने क्या होता है? जिसमें शक होता है। उसमें संकेत में क्या होता है बच्चों? जिसमें इशारा किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? संकेत में इशारा किया जाता है। आज्ञा, आप किसी से आज्ञा अनुमति लेते हैं, है ना? क्या लेते हैं? आज्ञा अनुमति लेते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, फिर उसमें इच्छा, आपकी जो इच्छा वाचक है ना, ये आपका विस्मयादि बोधक, आप जानते हैं, अरे है ना, अरे ओ, ये सब क्या होते हैं हमारे? विस्मयादि बोधक। ये बहुत इजी है, बहुत अच्छी से 2 मिनट में समझ में ये आपको आ जाएंगे अर्थ के आधार पर। देखिए पहला हम समझते हैं विधानवाचक। विधानवाचक में क्या है? जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए, बस उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे वह बाजार जाएगा, बच्चा सो रहा है, हमने अपना काम कर लिया, ये सब क्या है हमारे? विधानवाचक वाक्य। क्या है बच्चों हमारे? विधानवाचक वाक्य। हरिद्वार में गंगा रहती है ना, हरिद्वार में गंगा बहती है, क्या हुआ हमारा? विधानवाचक, ठीक है। हमारी मम्मी जयपुर में रहती है, ये हमारा क्या हुआ? विधानवाचक वाचक। जिस वाक्य में कुछ भी कहा जाए या बताया जाए, वो वाक्य हमारे विधानवाचक कहलाते हैं। ये बहुत इजी है बच्चों। अब निषेधात्मक में नहीं का प्रयोग होता है, जिसमें कार्य की नहीं करने का बोध पता चलता है। अर्थात निषेधवाचक वाक्य में जिस वाक्य में किसी कार्य का ना करना, अर्थात नहीं का प्रयोग होगा। माता जी ने खाना नहीं खाया, नहीं खाया। वह स्कूल नहीं गया, हम कल स्कूल नहीं गए थे। हमने हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया, नहीं का प्रयोग होगा निषेधात्मक, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? समझ में आया निषेधात्मक किसे कहते हैं? अब देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आपको मालूम है कि किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक जिस वाक्य में कुछ जानने की जिज्ञासा की जाए, अर्थात प्रश्न। ठीक है बेटा, आप खाना खा लो। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है बेटा, ये लास्ट टॉपिक है, बस आप खाना खा लो, ठीक है। किसे उसे कहते हैं? प्रश्नवाचक। मधु तुम कब जाओगी? कब कौन, ये क्या है? कब कौन क्यों, ये सब किसमें प्रयोग करते हैं? हम प्रश्नवाचक में प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं बच्चों? प्रश्नवाचक में। आगे देखिए, संदेहवाचक मैंने आपको बताया। संदेह मैंने क्या होता है बेटा? शक होता है। संदेह मैंने क्या होता है? शक, जिसमें शक जाहिर आपको होता है। जिस कथन में संदेह का या संभावना का भाव हो, उसे शायद वह आज ना आए, शायद कल बारिश हो, शायद मैं कल स्कूल ना जाऊं, आप रुकोगे, वेरी गुड। शायद वह आज ना आए, वह अब तक घर जा चुका होगा। आपको शायद लग रहा है, वह शायद कल मेरे घर आए, मुझे लग रहा है कि कल वह मेरे घर आए, तो आपको शायद संदेह लग रहा है। वह सब बच्चों हमारे किसमें आएंगे? संदेह वाचक में। संकेत वाचक में बच्चों क्या होगा? जिसमें आप इशारा करते हैं, शर्त की पूर्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संकेत वाचक, इशारा, ठीक है। संकेत मैंने क्या होता है? इशारा, जिसमें यदि परिश्रम करोगे तो सफलता होगी, मिलेगी। अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं होगी, मिलेगी। यदि वह आती तो अच्छा होता,
हमारे घर आई नहीं है, अगर मेरे घर आ जाती तो बहुत अच्छा होता। आपने क्या किया, शर्त संकेत है ना, आपने संकेत दिया उसको राम को कि अगर तुम परिश्रम कर लेते हैं तो तुम्हें सफलता मिल जाती, तुम फेल हो गए हो लेकिन अगर तुम परिश्रम करते तो शायद तुम्हें सफलता मिल जाती। जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। अब बच्चों देखिए आज्ञा, जहां क्या लेते हैं किसी से, आज्ञा आदेश अनुमति है ना, आज्ञा आदेश अनुमति अगर भाव प्रकट होता है वहां क्या होता है हमारा आज्ञा वाचक वाक्य होते हैं, वहां मत जाओ है ना, आप दे रहे, आप आदेश दे रहे हैं इसमें, वहां मत जाना वहां खतरा है ना। नेहा खाना खा लो, आप आज्ञा दे रही है नेहा खाना खा लो, अनुमति आप लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। आप क्लासरूम से अगर बाहर जाना होता है तो आप कहते हैं मैम मैं गो टू वॉशरूम, आप कहते हैं मैम मैं गो टू ड्रिंक वाटर, तो आप क्या लेते हैं, आप अनुमति लेते हैं ना, आज्ञा लेते हैं मैम से। इच्छावाचक, इच्छावाचक में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जिस वाक्य में कोई इच्छा आशा शुभकामना या भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, इच्छावाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, इच्छावाचक। आपकी इच्छा प्रकट हो, आपकी आशा क्या, आपकी शुभकामना प्रकट हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना। आप क्या कह रहे हैं, आप ऊपर शुभकामना दे रहे हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप कोई बधाई देते हैं, कोई आप बधाई देते हैं, क्या करते हैं बधाई देते हैं, न्यू ईयर आ रहा है, आप क्या करेंगे, शुभकामना देंगे, है ना। न्यू ईयर आ रहा है ना, न्यू ईयर की सब तैयारी कर रहे हैं, पहले तो क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं सबकी, क्या क्या तैयारियां हो रही है क्रिसमस की, अच्छे से तैयारियां हो रही है क्रिसमस की, पार्टी होगी, क्यों बच्चों, क्रिसमस में पार्टी होगी, फ्रेंड्स ग्रुप पार्टी करेगा, घूमने जाएगा, है ना, सब घूमने जाएंगे, आप लोग सभी घूमने जाएंगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, चर्च जाएंगे, क्यों बच्चों, चर्च जाएंगे ना घूमने, हाँ दे हाँ बेटा आप जाओगे, ठीक है। देखिए बेटा आज तो मैं मैच खेलूंगी, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, क्या आज तो मैं मैच खेलूंगी, आज मैं खाना बनाऊंगी, है ना, ये क्या अपनी इच्छा जाहिर की, यहाँ क्या हुआ बच्चों, इच्छावाचक। अच्छे से घूम कर आइएगा और क्रिसमस खूब इंजॉय करिएगा, फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपका, न्यू ईयर आ रहा है ना, न्यू ईयर आ रहा है ना, न्यू ईयर की भी खूब पार्टी की तैयारी हो रही है, न्यू ईयर कैसे करना है हमें, कैसे सेलिब्रेट करना है न्यू ईयर ना। आप लोग न्यू ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा हो, है ना, जो नया साल आपके लिए आ रहा है बहुत अच्छा हो, सब बच्चों के लिए मेरी ब्लेसिंग है कि आपके लिए नया साल बहुत अच्छा हो। विस्मय आदि बोधक बच्चों क्या होता है, जिस वाक्य में हर्ष शोक विस्मय दुख घृणा, है ना, दुख या घृणा, आप क्या करते हैं, कभी कोई चीज होती है तो आपको दुख होता है, घृणा होती है किसी चीज से, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों कि आपको शोक होता है ना, कभी आपके एडवांस में बेटा आपको भी सेम टू यू, ठीक है, आपको को देखिए आपके मार्क्स किसी में नहीं अच्छे आते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत दुख होता है कि अरे मैंने थोड़ी सी मेहनत कर लेती तो मैं भी फर्स्ट आ जाती है ना, आप लोग कोशिश करते हो ना बच्चों, तो ये इसमें क्या कहते हो, अरे वाह कितना सुंदर घर है, आपने किसी का घर देखा, अरे वाह कितना सुंदर घर है, छी छी कितना गंदा पानी, ये सब क्या है बच्चों हमारे, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक, क्या है बच्चों, विस्मयादि बोधक। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं, शाम की आप एंट्री में पूरे नंबर लेकर आएंगे ना, कितने मार्क्स आएंगे, कितने क्वेश्चन सही जाएंगे मेरे बच्चों के, सारे। चलिए देखिए आप कैसे चेंज करते हैं, इस पैटर्न पर मैंने बच्चों दिया है, इस पैटर्न को आप अच्छे से समझ लीजिए, इस पैटर्न पे मैंने आपको शाम को दिया है। विधानवाचक, विधानवाचक आपका क्या, सिंपल बिल्कुल, गुरु फरीदाबाद जा रहा है, क्या बच्चों हमारा सिंपल सा साधारण सा वाक्य हमारा, निषेधात्मक में आपने इसको बदला, ध्रुव फरीदाबाद नहीं जा रहा है, इसमें आपने क्या प्रयोग किया, निषेधात्मक में नहीं का प्रयोग किया, तो ये हमारा क्या हो गया, निषेधात्मक। अब विस्मयादिक में क्या आपने क्या, अरे ध्रुव फरीदाबाद जा रहे हैं, आपने क्या किया, अरे आपको क्या हुआ, अचंभा हुआ आश्चर्य, अरे ध्रुव फरीदाबाद जा रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा, इसमें हुआ हमारा विस्मयादि बोधक में।
संदेह, शक हुआ, शायद ध्रुव फरीदाबाद जा रहा है। आपको कंफ्यूजन है कि शायद जा रहे हैं और हो सकता है वो ना भी जाए, तो आपने क्या प्रयोग किया? शायद प्रयोग किया, तो ये किसमें हुआ? हमारा संदेह में हुआ। आज्ञा, ध्रुव फरीदाबाद जाओ। देखिए आप क्या कर रहे हो, आज्ञा दे रहे हो, ध्रुव तुम जाओ फरीदाबाद जाओ, तो ये आपने क्या दिया? आपने आज्ञा दी। क्या दिया बेटा? आज्ञा। संकेत में माँ कहती है कि ध्रुव फरीदाबाद जाता, संकेत आपने संकेत किया, क्या किया? इशारा दिया आपने। इच्छा, ध्रुव को फरीदाबाद जाना चाहिए, हमने अपनी इच्छा जाहिर की। हाँ बेटा, मेंटी जो है 6 o'clock वाले में है। हाँ कहते मेंटी, ये जो बेटा हमने चैप्टर समझाया है, इसी चैप्टर की मैंने मेंटी रखी है, और भी क्वेश्चंस हैं, और भी चैप्टर्स के हैं, तो अच्छे से तैयार करिएगा कि आप जो है सारे क्वेश्चन उसमें सही दीजिए। ठीक है, ये देखिए बच्चों, इसमें क्या इच्छा आपने जाएगी, प्रश्नवाचक का आपको मालूम चल गया कि क्या क्या आपने प्रयोग किया, क्या ध्रुव फरीदाबाद जा रहा है, आपने प्रश्न किया, तो इसमें क्या हो गया हमारा? प्रश्नवाचक। यहां तक आपको समझ में आया? हाँ बेटा, फुल सिलेबस में है। आपको ये मैंने जो चैप्टर समझाया ना, ये तो पूरा चैप्टर है और भी है, अब आपके लिए सरप्राइज है, ये आपके लिए सरप्राइज है, जो मैंने चैप्टर बेटा कराए ना, बस उसी में से ही है, जो मैंने चैप्टर बेटा कराए हैं उन्हीं चैप्टर्स में से अच्छे से तैयारी करिएगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। ठीक है, अब वाक्य परिवर्तन में देखिए, सरल वाक्यों को ये बच्चों मैंने दिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सरल वाक्यों का संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में परिवर्तन, ये देखिए क्या, वह पढ़ते ही खेलने चला गया, ये क्या है हमारा? सरल वाक्य है। गिलास नीचे गिरा, टूट गया, गिलास नीचे गिरकर टूट गया। अब इसमें देखिए मैंने क्या आपको संयुक्त वाक्य में और, मैंने क्या कहा था, और का प्रयोग होता है ना इसमें, वह पढ़ा और खेलने चला गया, दो वाक्य को जोड़ रहे हैं, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, क्या हुआ? दो वाक्य यहाँ जुड़ रहे हैं, ये क्या है हमारा? संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है? जैसे ही उसने पढ़ा वैसे ही खेलने चला गया, है ना, ये क्या है? आश्रित है। मैंने आपको मिश्रित वाक्य में क्या कहा बच्चों, कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, उसे क्या कहते हैं हम? मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे ही उसने पढ़ा वैसे ही खेलने चला गया, गिलास जैसे ही नीचे गिरा कि वह टूट गया, है ना, जैसे ही गिलास नीचे गिर गया वैसे ही वह टूट गया, ये क्या है हमारा? मिश्रित वाक्य है। यहां तक बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छे समझ में आया बच्चों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन देखिए बच्चों, संयुक्त वाक्यों का सरल और मिश्रित वाक्यों में परिवर्तन, संयुक्त वाक्यों का सरल और मिश्रित वाक्यों में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? पिताजी ने थैला उठाया और बाजार चले गए। यहाँ पर क्या आपने और का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? और किसमें प्रयोग हुआ हमारा? किसमें प्रयोग हुआ? संयुक्त वाक्य में। तुम बाहर गए और सो गए, क्या और का प्रयोग हुआ? संयुक्त वाक्य में। मैंने आपको बताया संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़ते हैं। सरल वाक्य, पिताजी थैला उठाकर बाजार चले गए, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया, ये क्या हमारे? दोनों वाक्य क्या है हमारे? सरल वाक्य बच्चों, क्या है हमारे? सरल वाक्य है, अच्छे से समझ लीजिए। मिश्रित वाक्य बच्चों क्या है? एक वाक्य जो लास्ट में होता है वो पहले पर क्या होता है? आश्रित होता है। जैसे ही पिताजी ने थैला उठाया वह बाहर चले गए, वह बाजार चले गए। जैसे ही तुम बाहर गए कि वह सो गया, ठीक है, क्या हुआ? ये एक वाक्य आपके क्या है? आश्रित है। अगर आश्रित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य मैंने आपको बताया ना कि आश्रित होते हैं, वह बच्चों हमारे होते हैं मिश्रित वाक्य होते हैं। और वाक्य परिवर्तन मैंने आपको बताया जैसे कैसे बदलेंगे। वह बाजार गया क्योंकि उसे सामान खरीदना था। आप इसको मिश्रित वाक्य में चेंज करिए, बदलिए जरा, मिश्रित वाक्य बदलिए जरा, मिश्रित में बदलिए। राखी ने खाना खाया
और राघव को अच्छा लगा। ठीक है, सरल वाक्य जैसे वह बाजार का सामान खरीदने गया था, ये सरल वाक्य है हमारा। इसमें क्या बना हमारा मिश्रित वाक्य में, क्योंकि, क्योंकि हमारा ये वाला वाक्य इस पर क्या है आश्रित होता है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है आश्रित होते हैं, क्या होते हैं बच्चों आश्रित होते हैं। और संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे ये आपका गया, वह बाजार गया तथा उसने सामान खरीदा, राखी ने ऐसा खाना बनाया कि राघव को अच्छा लगा। ये क्या दो वाक्यों को हमारे जोड़ रहे हैं, राखी ने ऐसा खाना बनाया कि राघव को अच्छा लगा। ये बच्चों हमारे क्या है संयुक्त वाक्य। समझ में आया बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कितने बच्चों को कितना समझ में आया। ठीक है, संयुक्त वाक्य जुड़ते हैं किससे जुड़ते हैं संयुक्त वाक्य, जल्दी बताइए। क्रिया विशेषण शब्दों से कि समुच्चय बोधक शब्दों से, किससे जुड़ते हैं बच्चों संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से कि क्रिया विशेषण शब्दों से। मैंने आपको अभी समुच्चय वाक्य बताया अभी, और लगाकर मैंने वो बताया था ना अभी, वह क्या होते हैं किसमें होते हैं बच्चों हमारे संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक से, किससे में होते हैं बच्चों अच्छे से समझ लीजिए। क्या और लगाया आपने, तो मैंने आपको अभी इसके एग्जाम्पल बताए, समुच्चय बोधक क्या होते हैं समुच्चय बोधक। उसने वह बाजार गया तथा उसने सामान खरीदा, है ना, तथा ये सब क्या है हमारे समुच्चय बोधक। बच्चा सो गया, ये क्या है हमारा विधानवाचक की आज्ञावाचक। अभी हमने इसके बताया आपको, आज्ञा में क्या करते हैं आप, विधान में क्या करते हैं, कैसा वाक्य होता है कि विधानवाचक होता है कि आज्ञावाचक होता है, जल्दी बताइए बेटा। बच्चा सो गया विधानवाचक वाक्य है कि आज्ञावाचक वाक्य है, हमारा कौन सा बच्चों ये विधानवाचक वाक्य है ना, जो साधारण वाक्य है। आज्ञा में आप क्या लेते हैं अनुमति और आदेश लेते हैं, क्या करते हैं अनुमति और आदेश, वह क्या होता है हमारा अनुमति और आदेश लेते हैं, वह क्या होता है हमारा आज्ञावाचक। अब ये बताइए बच्चों, इसी तरीके से आपके इसमें एक मैंने क्विज में रखा है, अब ये बताइए थर्ड में, अरे राकेश किसे बुला रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य के संकेतवाचक वाक्य, अरे अरे राकेश किसे बुला रहा है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए मैंने दिया है कि किस इसमें क्या है, किसका प्रयोग किया गया बच्चों, अरे राकेश किसे बुला रहा है, पूरा वाक्य पढ़िए देखिए। इसमें इसमें किसे का प्रयोग किया गया है, यह क्या है हमारा बच्चों प्रश्नवाचक, क्या है हमारा प्रश्नवाचक। आप ये कहोगे कि इसमें तो विस्मयादिबोधक है, नहीं बच्चों इसमें किसे ये क्या है प्रश्नवाचक हमारा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। आप कमरे से बाहर जा सकती हैं, आप कमरे से बाहर जा सकती हैं, जल्दी बताइए किसमें है आज्ञावाचक की संदेहवाचक है। आप कमरे से बाहर जा सकती हैं, आज्ञावाचक की संदेहवाचक, जल्दी बताइए। क्या है बच्चों इसमें आपका आज्ञावाचक, क्या करते हो इसमें आज्ञा ले रहे हो। आप कमरे से बाहर जा सकती हैं, क्या किया आपने आज्ञावाचक, इसमें संदेहवाचक, इसमें शक वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, कोई शक वाली नहीं, आप आज्ञा ले रहे हो, है ना, आप कमरे से बाहर जा सकती हैं। ठीक है, आदेश दिया जा रहा है इसमें, आप कमरे से बाहर जाइए। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा आज्ञावाचक। समझ में आया बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। वहां क्या सुंदर फूल है, वहां क्या सुंदर फूल में है
विस्मयादिबोधक की संकेतवाचक वाक्य है हमारा। वहां क्या सुंदर फूल है, संकेतवाचक की विस्मयादिबोधक। इसमें देखिएगा कौन सा चिन्ह लगा है, क्या है, वहां क्या सुंदर फूल है, इसमें क्या है बच्चों हमारा विस्मयादि वाचक वाक्य, कौन सा हमारा विस्मयादि। ठीक है, अब इसमें बताइए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, छह की आठ। अभी मैंने आपको बताया कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, जल्दी बताइए बच्चों कितने होते हैं अर्थ के आधार पर। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए, आज आपकी यही आने वाला है, आज आपकी जो मेहनती है इसी पर ही है। जल्दी से लिंक भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, वो भी शाम की क्लास में जरूर आएंगे। अब बच्चों कल मेरी 10:30 से फिर आप स्पेशल क्लास है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा कि वो अनअकैडमी, अगर उन्होंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, कितने होते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर हमारे, आठ होते हैं बच्चों, कितने होते हैं हमारे आठ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बताइए हमें शायद मधु बाहर जाए, शायद लगाए, अब बताइए संदेहवाचक है कि संकेतवाचक है। शायद मधु बाहर जाए, आपको संदेह हो रहा है कि आप संकेत कर रहे हैं, क्या है हमारा, जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, क्या है इसमें संदेहवाचक, क्या है बच्चों हमारा इसमें संदेहवाचक है, संदेहवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज राघव नहीं जाएगा, क्या इसमें निषेधवाचक है कि संकेतवाचक है। आज राघव नहीं जाएगा, इसमें किसका प्रयोग किया गया है कि निषेधवाचक है कि संकेतवाचक है, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे तो, मैं बच्चों को सब अच्छे से समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पर बच्चों क्या प्रयोग हुआ है, नहीं, किसका प्रयोग हुआ है, नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा निषेधात्मक, किसका प्रयोग होगा बच्चों निषेधात्मक वाक्य का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राधा मेरे घर आई और हम सिनेमा देखने गए। अब यहाँ पर एक टिप हम आपको दे देते हैं, और का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है और का। राधा मेरे घर आई और हम सिनेमा देखने गए, जल्दी बताइए संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है, जल्दी बताइए संयुक्त वाक्य कि मिश्रित वाक्य है, किस पर है ये संयुक्त वाचक वाक्य कि मिश्रित वाक्य है, ये हमारा बच्चों किस पे है संयुक्त वाक्य है ना। अच्छा बताइए महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, ये सरल वाक्य है कि हमारा संयुक्त वाक्य है, जल्दी बताइए। बेटा मिश्रित वाक्य अच्छे से समझ लीजिए कि वाक्य क्या होता है, उसमें प्रथम वाक्य जो होता है वो उपवाक्य पर आश्रित होता है। ठीक है, जैसे कि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी, मैंने देखा कि पेड़ पर सांप था, तो क्या आपका प्रथम वाक्य मुख्य वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, तो वहां क्या कहते हैं तो, बारिश होती तो आपने बोला, वो क्या है हमारा जोड़ रहा है लेकिन क्या है आश्रित है उस पर, तो उसको हम क्या कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं किसमें क्या है हमारा, ये कौन सा वाक्य बच्चों सरल वाक्य, क्योंकि इसमें संयुक्त दो वाक्यों को कोई जोड़ा ही नहीं जा रहा, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको यहां तक अच्छे समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए आप जो मेरी क्लास है, मेरी क्लास शाम को बच्चों 6 बजे से 7 बजे है, और उसमें क्या है आपके लिए मेंटी है। ठीक है,
और सुबह मेरी क्लास दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक होती है, और कल मेरी स्पेशल क्लास है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो उसे अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जिन्होंने अगर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? और उस पे मैं जो है लिंक आपको शेयर करती रहूंगी। बाय बाय बच्चा, टेक केयर। बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास तक आपको मिल जाएगी। और मेरा कोड है पूजा 01, उसको अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है? थैंक यू बच्चों, बाय बाय।